गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। और आज मैं नए घर में ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक और ब्लॉगिंग थोड़ी बहुत होगी, जो मेरी ननद आई थी तो ब्लॉगिंग थी, लेकिन आप लोग बोलोगे फिर से आपकी पुरानी बीमारी आ गई। तो सही में मेरी फिर से पुरानी बीमारी आ ही जाती है, जितना कोशिश करते, मतलब ना हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रहता ही है। अभी 2 दिन बाद आई है, 2 दिन नहीं थी, 2 दिन बाद फिर आई है, मतलब आज और कल रहेगा फिर से जाएगा। तो फिलहाल अभी दिवाली की तैयारी चल रही है। अभी हमें ना आजकल मतलब काम तो चल ही रहा है ऑफिस का, और उसके बाद भी हमें ना गिफ्ट खरीदना रहता है, फिर देना रहता है, तो हमारा चालू हो गया। कल भी हम 11:30 बजे रात को घर पे आए थे, आज भी फिर से मैं वही करूँगी। आने के बाद से अभी सोच रही हूँ शाम का खाना जल्दी बना लूँ, और कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं ऑफिस से रिलेटेड, बट हम उनको ब्लॉग में नहीं ले सकते। आप खुद मतलब हमारे साथ जो भी बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है ना जिसकी वजह से हम कुछ लोगों को ब्लॉग में नहीं ले सकते, या कहीं कुछ मजबूरी से कि मेरे घर का शाम का प्रोग्राम था, वो हम सिर्फ हमने गाना बजाने के लिए, डिनर का नहीं लिया, तो वो हो गया कि मतलब किसी ने कुछ किया नहीं, मैं बाहर जा नहीं सकती थी तो वो हुआ नहीं। और आज मैंने नाइट ड्रेस डाल लिया, न्यू न्यू डाला, नहाने के बाद से नहाई, नहाने के बाद से मैंने किया। और कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनको थोड़ा चाय पानी करूँगी, उसके बाद से शाम के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि नवीन के आने के बाद हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे गिफ्ट लेना, गिफ्ट लेके देते हुए फिर घर पे आना है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लेट हो जाएगा घर पे आते आते, तो फिर कल भी यही काम करना है हमें। कल आई थिंक फ्राइडे है, कल भी यही काम करना है मुझे, दो काम यही करना है, और सैटरडे संडे तो आपको पता ही है। वैसे मैं सोच रही हूँ कल से ही नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर के बहुत सारे काम पड़ेगा, तो लेकिन बाहर गिफ्ट देने तो जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर इतना पास में पूजा था ना कि कुछ भी नहीं हुआ है, गिफ्ट उफ्ट कुछ नहीं खरीदा हमने, तो फिर बस यही चल रहा है। और क्या बोलते हैं, जा रही हूँ पालक की दाल बनाने के लिए। और कुछ लोग ये बीमारी का मजाक भी मना लेते हैं, बट क्या करूँ, मैं इतनी मजबूर हो जाती हूँ ना कि शायद जिसके साथ होता है वही जानता है, बहुत प्रॉब्लम मुझे होती है इसकी वजह से, ऐसा लगता है कि हद से ज़्यादा। मैं आपको होम टूर भी करवाऊंगी, ये रहा मेरा किचन, बट होम टूर अभी मैं आराम से दिवाली के बाद ही कराऊंगी, बिकॉज पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है मैनेज, लेकिन मैक्सिमम नहीं हुआ है। तो मैं भी किचन में आई, पालक यहाँ पे रखा, दाल भिगा के रखी, यानी पालक की दाल और चावल बना दी, सिंपल सा खाना, क्योंकि मुझे आजकल वही पसंद आ रहा है, दाल चावल दाल चावल। मैं रोटी खा ही नहीं रही हूँ, सिर्फ दाल चावल खा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया है, 3 3 किलो वेट बढ़ गया मेरा, 3 kg। कल मैंने फ्रिज साफ किया है, उसे निकाल के कल मैंने फ्रिज साफ किया, आने के बाद से फिर बाहर गए, फिर गिफ्ट दिया, फिर 11:30 हो गया, और थक जाते इतना सो ही जाती हूँ। तो गाइस, तो मैं आ गई हूँ बेड पे, थोड़ा आराम कर रही हूँ, लेटी हूँ। अभी भी होम टूर तो नहीं कराने वाली, बस होम टूर और गिफ्ट अनबॉक्सिंग दिवाली के बाद ही होगा, क्योंकि ना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अभी नवीन का बस वेट कर रही हूँ, नवीन के वेट करने के बाद गिफ्ट लेने जाना है, और उस घर पे रेंट वाले भी आए हुए हैं तो उनको भी दिखाना है घर, तो सोच रहे पड़ोस में ही चाबी दे दें, कि अगर कोई है ना। चटनी भी है फ्रीज में, एक दिन पीसा था ना बड़ी मामा के लिए, अब ये देखो कटोरी में होगा। तो यहाँ पे हो रही है धमाकेदार बारिश, कभी भी बारिश होती है, नासिक ऐसी जगह है, कभी भी बारिश हो जाती है, और इतनी तेज नींद आ रही है ना, लेकिन जाना है बाहर, तो नींद को गोली मारो। और होम टूर बस, अब जो ब्लॉग में देखे हो वही है होम टूर, अभी होम टूर और गिफ्ट अनबॉक्सिंग, जो हमें पूजा में क्या मिला था सब कुछ, वो मैं जब बिल्कुल फुर्सत से मिलूंगी, क्योंकि आज कल है धनतेरस, कल भी जाना है ऑफिस, ऑफिस से आके घर का भी काम देखना रहेगा। अभी हमारी दिवाली की कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, टाइम नहीं मिल रहा तो कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है, और मंडे को मॉर्निंग मॉर्निंग में हमें निकलना है वृंदावन के लिए। सो बस यही चल रहा है, और अभी नीचे खाना खा रही है, खाना तो बना के गई थी, पालक की दाल चावल, अभी वो खा रही है, और मुझे तो पता नहीं क्यों खाना ही नहीं अच्छा लग रहा है, बस बोलते हैं जीने के लिए खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मोटी होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। एक्चुअली ना मेरे अंदर एसिडिटी हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा मोटी लगने लग रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से मैंने 2 स्वीट्स खाए हैं,
तीन रोटी और पालक की दाल खाई है, और कुछ नहीं खाया, बस यही खाना खाया। सोचो फिर भी पता नहीं कहाँ से मोटी हो जा रही है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या था ना, वो 1 वीक ना मेरा बहुत ज़्यादा ही, रात को मैं 9, 10, 11 बज जाते थे खाना खा, जब फैमिली आई थी तो 11 बज जाते थे खाना खाते खाते। तो अभी थोड़ा सा आज से कंट्रोल में करूँगी। नींद आ रही है मेरे ऐसे करने से, आपको भी नींद आती, क्योंकि ऐसे जब कोई करता है ना तो खुद भी नींद आने लगती है। तो नींद आ रही है, तो देखते हैं नवीन आते हैं फिर पुराने घर पे जाके, फिर गिफ्ट कर देंगे, फिर उधर से देते हुए घर आएंगे। देखते हैं कितने बजे आते हैं, आई थिंक 11 बज जाएंगे, क्योंकि ना आपको पता ही है मैं ना कल भी ब्लॉगिंग ऐड नहीं की, आज भी ब्लॉगिंग आज करूँगी मैं, क्योंकि कल से पीयू की छुट्टियाँ हैं और कल भी मेरा ज़्यादा देर का काम नहीं, ऑफिस में 1-2 बजे तक आ जाऊँगी, उसके बाद से घर का काम रहेगा। धनतेरस है, सैटरडे को नवीन जाएंगे गिफ्ट उफ्ट देने के लिए वहाँ पे, बस कुछ नहीं, बस चल रहा है। पूरी फैमिली आई थी, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया हमने, अच्छा लगा। कोई भी रिश्ते बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। चलो ठीक है, मैं जरा एक बार गुड्डी भाभी को फ़ोन कर लेती हूँ, क्या चल रहा हूँ, क्या वो दिल्ली में है। फाइनली हमने, हाँ सैमसंगाइट से निकलने में रोज झाड़ से खर्च आ जाता है। हाँ, वो काफ़ी काफ़ी खर्च आया है, रोज झाड़ से देख रहे हो, सब झाड़ से खर्च आता है सारा। इधर हमने स्वीट्स और गिफ्ट सारे ले लिए हैं अपने स्टाफ और जो भी जिसको देना होगा, सारी मिठाइयाँ रखी जा रही हैं। और हमने मिठाई ली है मेवा, कौन सी मिठाई है नवी? काजू, काजू बर्फी, काजू बर्फी है, किसी को दो तो अच्छा ही दो, तो वही लिया है। सब गिफ्ट और सारे सामान रख रहे हैं, अब देते हुए निकल जाएंगे। देते हुए निकलेंगे तो हम जिसको देंगे उसको हम ब्लॉग में नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे थोड़े रूल्स के खिलाफ हो जाता है, सब नहीं ले सकते। सो आप लोग ये मत बोलना कि नहीं दी। पिछली बार कितना दिए थे? तो उन लोगों को बोनस वोनस की बातें चल रही हैं, उन लोगों को बोनस सैटरडे को सारा देना पड़ेगा ना। और मैं अपने लिए नारियल पानी ले ली, मतलब रास्ते के लिए लिया है मैंने, वैसे तो नारियल पानी ऐसे पी लेती हूँ लेकिन ट्रेन में मुझे लगेगा ना, तो मैंने अपने लिए 2 बोतल नारियल पानी लिया है, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये तुमने बोला था ना सोसाइटी के लिए, उनसे बुक ले लिया था, मतलब सोसाइटी के लिए ले लिया, सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको एक एक डब्बा चॉकलेट ले लिया हमने। पैक हो जाता तो अच्छा दिखता, कहाँ पैक कराते चलेंगे, ले लिया दे देंगे, मतलब पैकिंग करना अभी, फिर रास्ते में रुको पीहू घर में अकेले है, लेट होगा। लेकिन अब नहीं कहना पड़ेगा, पैकिंग पैक करा के दे देंगे। हाँ और सब का गाड़ी निकालो, उधर से जगह नहीं है, है ना, उसमें से एक निकालना पड़ेगा। गाड़ी निकालो, नहीं मिलेगा तो उसको लॉक करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा टाइम पे कार्ड गुम हो गया, घूमने जा रहे हैं तो देखते हैं उसमें अलमारी अलमारी में होगा, उसको लॉक करना पड़ेगा मेरे को। वो 3 लाख का कार्ड है। सो चलो निकल पड़े यहाँ से, स्वीट्स लिए और स्वीट्स लेके निकल पड़े, स्वीट्स गिफ्ट्स भी था। वो ट्रेन के लिए 2 बोतल रख लूँगी नवीन। हाँ तो रख लूँगी ट्रेन के लिए, वो ना हाँ तो अभी नहीं यूज़ को यूज़ करेगा उसको, कौन यूज़ करता है, ट्रेन में लगेगा थोड़ा बहुत मुझे। एक जूस का भी पैकेट लेना था लेकिन नहीं, चार बार पूछा मैंने, ध्यान भी नहीं दिया उधर, अनार का जूस लेना था, नहीं का अनार, चलो बाहर का भी ले, और कुछ तो नहीं ले, चलो 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 लेना होगा तो डीमार्ट से ले लेना। तो दर्शन भैया बोले थे क्या फोन करेंगे? हाँ
उन्होंने तो आया नहीं होगा इसलिए फ़ोन नहीं किया, तो आए होते तो फ़ोन किया ही होते। मैं बोला था 5 बजे बुला लेना। फ़ोन किए होते, आया होता तो फ़ोन किया होता, गुस्सा होता कहाँ पे, पर आया ही नहीं। सर प्रसाद को बोलूँगा भाई तू तेरा नहीं जाऊँगा, क्या घर और साफ हो जाएगा तो साफ रहेगा तो कोई जाए, कचरा देखेगा तो कोई भाग जाएगा। तो हम आ गए, आधा हमने बांट दिया और आधे बाकी हैं जो कि अभी कल जाएगा, मतलब आधा से अधिक आज हमने दे दिया और आधा कल के लिए। ये चॉकलेट्स हम सोसाइटी के बच्चों के लिए रखे हैं और ये तो जो बाकी रह गए थोड़े बहुत उनके लिए, और भी लिया है हमने जो हमारे बिल्कुल खास है ना उनके लिए लिया, दिखा लिया कपड़े लिया है। तो कहती दिवाली में ना सबको एक आस लगी रहती है अपने अपने ऑफिस से कंपनियों से, तो हमने ये दिया है आपको दिखाती हूँ मैं कैसा है ये। ऐसे तो कपड़े सबके लिए लिए उनकी उसकी उन लोगों की पूरी फैमिली के लिए है, तो बाद में दिखाऊंगी। ये लिया है मैंने फ्रॉक, अच्छा लग रहा ना प्रिया, ये रहा फ्रॉक। उसकी एक बेटी है 5 साल की, उसके लिए एक फ्रॉक है, और एक है 3 साल की, उसके लिए ये फ्रॉक है। ओह थैंक यू शा। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से छोटा लग रहा है ऐसा, देखते हैं। 3 साल से बराबर बोल कर रहा है 3 साल के लिए, लेकिन अगर एक्सचेंज कर देगा तो ये रहा उनके कपड़े जो कि लिफाफे हैं गिफ्ट देने के लिए। आज पूरे दिन का काम यही रहा, कल भी यही करना है, परसों से जाके हमारा कुछ घर का काम होगा। परसों कुछ लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ है क्योंकि 10 तो ऐसे ही बज गए। ये फ्रॉक मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसको भी जल देते हैं, अच्छा रहता है खाना बना के रखे थी, सिर्फ गर्म करना है। पियो अब खाना खाओगे ना, खाना गर्म करो। अब इसको मुझे पैकिंग करना है, मतलब उनकी वाइफ लोगों के लिए। लाइट बड़ा वाला लाइट कहाँ है? उनकी वाइफ लोगों के लिए साड़ी, उनकी वाइफ लोगों मतलब उनकी मम्मी है घर में। मंदिर में से निकाले थे ना बड़ा वाला लाइट होगा तुमने? दाल गरम करोगे? क्या कुछ खाया है अभी? दूध। हाँ दूध। दूध कहाँ है? बहुत बढ़िया, दूध तो आया नहीं आज, देख तो वहां से आने के बाद दूध की दिक्कत होने लगी। पैकेट का दूध अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे कोई दूध नहीं आता था? नहीं यहाँ पे अभी मैं कहीं दूध नहीं देख रही हूँ, चाय के लिए सुबह के लिए दिक्कत। लाइटिंग वाइटिंग अपना भी लगा देते ऊपर से, क्यों लाइटिंग क्या है बेटा? वो खुद नहीं पता। फिर मेरा फोन ना चार्ज पे लगा के आ जाओ, नहीं रहने दो। चलो मैं दाल गरम करती हूँ किचन में। अयो अंदर बाहर सारा काम करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, अकेले हूँ तो कौन करेगा, ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा। तो अच्छा है कि खाना बना के रखा था, तो दाल में गरम करती हूँ। और लल्ला आज लल्ला को मिठाई खिला दो आज, बिकॉज ले लो स्वीट्स ले लो, हाँ मिक्स नमकीन भी खिला सकते हो, लहसुन प्याज नहीं है तो खिला सकते हो। नहीं लल्ला को लहसुन प्याज को नहीं दे सकते ना, नवीन खाना निकाल रही हूँ।
छिला के सुला दो डालना है। एक्चुअली तुम शाम को खाना खाए हो ना, 6 बजे तो खाना खाए। कल भी यही काम करूंगी, बना के रख दूंगी, क्योंकि कल भी बहुत बहुत खाया नहीं थे। खा जा लल्ला को प्रसाद तो कर। ये ना लगता है वो वाला चावल नहीं है ना ये। हाँ, क्योंकि ना कितना भी कच्चा उतारने पर ना गीला हो ही जा रहा है। कल इसको ना फ्राइड राइस बना दूंगी। डालो दाल में घी, क्योंकि घी डालने से थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है खाने का, मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस चलो खाना दे।